Hello guys, this is Suman. Welcome to our YouTube channel Avision, Avision for Government Jobs. The आज का जो करंट अफेयर सेशन है 10th अप्रैल 2019 जो ये जो करंट अफेयर्स हम लोग जो YouTube चैनल Avision Institute डेली प्रोवाइड करती है तो इस जो सेशन है तो जितना एग्ज़ाम आती है आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि SBI PO इस RRB NTPC RRB ग्रुप डी इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा तो इस सिलसिले में हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का जो करंट अफेयर्स 10th अप्रैल 2019 आज के जिस सेशन का पहला क्वेश्चन दैट इज़ Which Indian railway station has been got ISO certification from the NGT, National Green Tribunal? कौन सा railway station को National Green Tribunal जो है एक ISO certification का tag दिया गया? तो इसमें पांच option दिया गया, option A हावड़ा, option B Varanasi, option C Allahabad, option D Patna, option E Guwahati. The correct answer that is option E Guwahati. The capital of Assam. तो इंडिया का एक लौता जो रेलवे स्टेशन उसका नाम क्या है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया कौन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस लिए जो गुवाहाटी स्टेशन में जो जितने पैसेंजर आता है उस पैसेंजर को क्या है एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और मेनी टाइप्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट एंड द वन रिसीव्ड बाय द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इज ISO इज 14001 द स्टेशन सर्टिफिकेशन रीड ISO 14001 इज टू 2015 तो क्वेश्चन क्या आ सकता है जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है इंडिया का फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन है जिसको क्या ISO सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस लिए जो गुवाहाटी स्टेशन में जितने पैसेंजर आता है उस पैसेंजर को क्या किया एक क्लीन और ग्रीन एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ISO सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया और इसको जो मतलब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का जो ISO सर्टिफिकेशन जो कोड है वो 14001 इज टू 2015 और स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम जैसे RRB ग्रुप डी और RRB NTPC उसमें स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जो वो है आसाम का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर का नाम क्या है मिस्टर जगदीश मुखी इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक Which country is the highest recipient of remittances in 2018? इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी चाइना ऑप्शन सी जापान ऑप्शन डी USA ऑप्शन ई फ्रांस द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए इंडिया तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पेश करती है उस रिपोर्ट का नाम क्या है वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इस रिपोर्ट में जो टॉप पर जो कौन है इंडिया किस लिए फॉर द रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विथ इट्स डायस्पोरा सेंडिंग ए होपिंग कितना मिलियन डॉलर 79 बिलियन यूएस डॉलर बैक होम इन 2018 तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है जो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पेश करती है रिपोर्ट का नाम क्या है वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट पेश करती है किस लिए फॉर द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विद इट डायस्पोरा सेंडिंग ए होपिंग 79 बिलियन यूएस डॉलर बैक होम इन 2018 तो रेमिटेंस कितने रुपए बैक किया इंडिया में 2018 में तो उसका आंसर हो जाएगा 79 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया का बाद जो सेकेंड पोजीशन में कौन है सेकेंड पोजीशन में चाइना जिसका टोटल अमाउंट कितना है 67 बिलियन यूएस डॉलर उसका बाद जो है मेक्सिको उसका टोटल जो रेमिटेंसेस रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विद इट्स डायस्पोरास टोटल कितना है मेक्सिको का 36 बिलियन यूएस डॉलर और स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है वाशिंगटन डीसी
और वर्ल्ड बैंक का और भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो पिछले सेशन में हम दिया था, जो वर्ल्ड बैंक का बहुत न्यूज़ आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है जो वर्ल्ड बैंक का अभी हाल ही में प्रेसिडेंट भी चेंज हुआ है। पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था, मिस्टर जिम योंग किम, लेकिन हाल ही में एक नया प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मिस्टर डेविड मलपास। सेशन का थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज बीन रैंक्ड इन द टॉप पोजिशन अकॉर्डिंग टू द एचआरडीएस नेशन रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ई आईआईटी मद्रास। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ई आईआईटी मद्रास। हम लोग का जो देश का जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिलीज किया द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन, किसका द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो प्रेसिडेंट, हम लोग का जो देश का प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद रिलीज किया द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन, किसका द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका द्वारा, कहां पर, न्यू दिल्ली में। ये जो एक रिलीज किया जो लिस्ट, इसमें टॉप पर कौन है, आईआईटी मद्रास, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है टॉप रैंक पर है। उसका बाद सेकंड रैंक में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और सेकंड रैंक में, और थर्ड जो है आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इस सेशन का फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया एंड अलोंग विथ विच कंट्री कंक्लूड्स द जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 6। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन ई अफगानिस्तान। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका का बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति। लेकिन 2019 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मित्र शक्ति हुआ है उसका एडिशन है 6, ठीक है। ये जो 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति कंक्लूडेड इन श्रीलंका, कहां पर खत्म हुआ है, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में जो हो रहा है, जो उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति। इस बार इसका एडिशन कितना है, 6, और कंक्लूड कहां पर हुआ है, वो श्रीलंका में हुआ है। इस सेशन का फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IIM हैज बीन बैग्ड एट द टॉप स्पॉट अकॉर्डिंग टू द NIRF। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए IIM लखनऊ, ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी IIM इंदौर, ऑप्शन डी IIM शिलोंग, ऑप्शन ई IIM बेंगलोर। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ई IIM बेंगलोर। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो रैंकिंग 2019 में हुआ है, जो मैनेजमेंट कैटेगरी में, उसमें टॉप पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है वो पहले नंबर पे है। उसका बाद सेकंड पर जो लिस्ट निकलती है जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो रैंकिंग 2019 का जो मैनेजमेंट कैटेगरी की लिस्ट निकलती है, उसमें सेकंड पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, और थर्ड में IIM कलकत्ता। फॉर द अवार्ड्स ऑफ द फ्रेमवर्क आउटलाइंस ए मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद गेव अवे द अवार्ड्स। इस सेशन का सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली HDFC बैंक हैज बीन रेज्ड हाउ मच करोड़ रुपीज बाय इशूइंग बॉन्ड्स। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 40,000 करोड़, ऑप्शन बी 40,500 करोड़, ऑप्शन सी 30,000 करोड़, ऑप्शन डी 50,000 करोड़, ऑप्शन ई 60,000 करोड़। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी 50,000 करोड़। तो प्राइवेट लेंडर, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC ने बैंक क्या किया रिसेंटली, हाल ही में एक उसका जो कैपिटल है रेस्ट करेगा, इसलिए बॉन्ड इश्यू किया है दिस फिनेंशियल ईयर फॉर 2019-20 50,000 करोड़। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सा बैंक हाल ही में एक उसका जो
कैपिटल रेज करने के लिए कितने रुपए का, मतलब कितने करोड़ का क्या एक बॉन्ड इशू किया है, उसका पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक और दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। इस सेशन का सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 7th अप्रैल, ऑप्शन बी 8th अप्रैल, ऑप्शन सी 9th अप्रैल, ऑप्शन डी 10th अप्रैल, ऑप्शन ई 6th अप्रैल। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी 10th अप्रैल। तो 10th अप्रैल में जो 10th अप्रैल जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, वो 10th अप्रैल। और ये जो दिन है एक बर्थ एनिवर्सरी है जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उसका नाम है मिस्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10th अप्रैल। और ये जो 10th अप्रैल है किसका बर्थ एनिवर्सरी है, मिस्टर जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी मिस्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। और यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष इज जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इसलिए दो दिन का एक कॉन्वेंशन रखा है जो कहाँ पर, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो न्यू दिल्ली में है। इस सेशन का 8 क्वेश्चन, आईएनएस शक्ति एंड अलोंग विद व्हिच आईएनएस टू विजिट चाइना टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए आईएनएस कलवरी, ऑप्शन बी आईएनएस कोलकाता, ऑप्शन सी आईएनएस खंद्री, ऑप्शन डी आईएनएस अरियंत, ऑप्शन ई आईएनएस ब्रह्मपुत्रो। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी आईएनएस कोलकाता। INS शक्ति और INS कलकत्ता ने क्या किया, दोनों जो चाइना में गया है, चाइना का पोर्ट का नाम है क्विंग डाओ, जो जहां पर 21 से 26 अप्रैल तक के ये दोनों जो इंडियन नेवल सी पार्टिसिपेट करेगा इन एन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। INS कलकत्ता इज द लीड शिप ऑफ द कलकत्ता क्लास Stealth guided missile destroyers of the Indian Navy. Our INS Shakti is the tanker and supply ship. Over 60 countries would join the commemorative event of the People's Liberation Army Navy's 70th founding anniversary on April 23rd. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जो INS Shakti और INS कोलकाता, ये दोनों जो इंडियन नेवल शिप जो है कहाँ पर गया है, चाइना में गया है, चाइना का जो पोर्ट है उसका नाम है क्विंग डाओ, उसमें 21 से 26 अप्रैल तक पार्टिसिपेट करेगा एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है 70th एनिवर्सरी ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। और INS शक्ति जो है एक टैंकर एंड सप्लाई शिप है। और ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो यहाँ पर 70th एनिवर्सरी ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो हो रहा है चाइना में, उसमें 60 कंट्री ज्वाइन करेगा। इस सेशन का 9th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए बिल पीटर्स, ऑप्शन बी हरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी रॉन विल्सन, ऑप्शन डी ग्राहम रेड, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी ग्राहम रेड। तो ग्राहम रेड को जो इंडियन जो मेन्स हॉकी टीम है उसको चीफ कोच के रूप में नियुक्त किया गया। ग्राहम रेड जो है 54 ईयर ओल्ड। जब इंडिया में एक नेशनल कैंप हुआ था, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, बेंगलुरु टीम में एक चीफ कोच के तरफ नियुक्त किया गया था, किसको, ग्राहम रेड को। और ग्राहम रेड जो है एक मिडफील्डर है ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम का, और ग्राहम रेड एक सिल्वर मेडल जीता था जो 1992 में जो बार्सिलोना ओलंपिक हुआ था। इस सेशन का 10th क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट्स विलेज बिकम फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड, ऑप्शन ई असम। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर का जो इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है वेस्टर्न पार्ट में, उसका नाम है फेंग विलेज। उस विलेज को क्या इंडिया फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट का टैग दिया गया। इस टैग को क्यों देता है, ए विलेज इज गिवन कार्बन पॉजिटिव टैग इफ इट सिक्वेस्टर मोर कार्बन देन इट एमिट्स, स्लोइंग
एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। फेंग विलेज जो है एक शेड्यूल कास्ट विलेज है, जो कौन सा कम्युनिटी रहता है, वो चाकपा कम्युनिटी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू गेट द लेटेस्ट अपडेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल अविजन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।